हेलो दोस्तों, मैं आज आप लोगों को दिखाएंगे ये जो मेरा पास एक मिक्सर कॉल आया है, बेसिन मिक्सर है। ये देखिए बेसिन मिक्सर, इसका ये पाइप खराब हो चुका है, दो पाइप ही खराब हो चुका है। तो ये देखिए बेसिन मिक्सर है, इसका दो पाइप खराब हो चुका है। ये क्या हुआ, लीकेज होता है, ये मिडिल से लीकेज होता है इसका। यह भी खराब हो चुका है, यह भी ऐसे पानी गिरता है, यहाँ से भी लीकेज हो चुका है। और ये मिक्सर पाइप आसानी से मार्केट में नहीं मिलता है। ये बेसिन का मिक्सर पाइप है, ये आसानी से मार्केट में नहीं मिलता है। तो हम आपको दिखाएंगे कैसे इसका पाइप बना के यहाँ पर लगाएंगे। हम इसका पाइप बना के मार्केट से दो कनेक्टर पाइप ले आके इसका पाइप बना के हम यहाँ पर लगाएंगे, फिर काम चलाएंगे। और जो पाइप मिलता है मार्केट में वो पाइप भी ऐसा ही होता है। और यहाँ पर देखिए इसका रास्ट है, ये हाथ में घुस जाता है। तो देखिए कैसे हम ये पाइप बनाते हैं और फिर कैसे काम करते हैं। मिक्सर कॉल का पाइप मार्केट में आसानी से नहीं मिलता है, इसलिए हम दूसरा तरीका से ये पाइप बनाएंगे और पाइप बना के यहाँ पर लगाएंगे। तो पहले हम इसे खोलते हैं, खोल के दिखाते हैं आपको। पाइप को मिक्सर कॉल से निकाल डाला और इसे भी हम लूज़ किया है, ये भी निकल जाएगा, ये भी निकल चुका है। दो पाइप हम यहाँ से निकाल दिया, ये दो पाइप है कनेक्टिंग पाइप। और हम इस कनेक्टिंग के जो नोजल है, ये नोजल को हम निकालेंगे। ये नोजल रबर पाइप है, ऐसे चापने से निकल जाता है। पहले हम इसे काट लिया था, ये को इसे काट के ये निकाल बाहर फेंक दिया। फिर हम इस प्लास से टानेंगे, देखिए ये भी निकल चुका है ईजिली। ये ट्यूब ज़्यादा अच्छा नहीं है, इसलिए ये निकल जाता है जल्दी जल्दी। देखिए इसका अंदर जो रबर ट्यूब रहता है वो अच्छा नहीं है, इसलिए इसके अंदर से रबर ट्यूब काट जाता है और ये लीकेज आ जाता है। ऐसे करने से रबर ट्यूब अंदर से अंदर ही टूट जाता है और यहाँ से लीकेज आ जाता है। तो हम यहाँ से निकल दिया। और फिर हम ये जो कनेक्टर पाइप कनेक्टर है, ये जो प्रैक का जो कनेक्टर है, मैं दो पाइप ले आया मार्केट से, प्रैक का है, प्रैक कंपनी का है। देखिए यहाँ पर प्रैक लिखा हुआ है, देखिए यहाँ पर प्रैक है लिखा, प्रैक का है ये जो कनेक्टर है, प्रैक का। इसका जो अंदर ऐसे ही रबर रहता था, हम इसे निकल दिया, ऐसा रबर रहता है। हम ये पास खोलेंगे, ये अलंकी का बॉक्स है, ये वाला अलंकी का बॉक्स। इसके अंदर जो आठ नंबर है अलंकी, नंबर आठ एट नंबर अलंकी से ये खोलेंगे। ये देखिए अलंकी का घाट क्या हुआ है और ये पैच में लगा हुआ है। तो हम ऐसे घुमाने से खुल जाता है, देखिए ऐसे घुमाने से खुल जाता है, खोल चुका है, खोल चुका है, देखिए ऐसे ही खुल जाता है। तो हम इसे निकल दिया और इसे थोड़ा सा अंदर देना पड़ेगा, देखिए पाइप का सेम आ चुका है। और फिर हम इसे अंदर, ये जो नोजल है ये नोजल को अंदर घुसाएंगे, ये चापने से ही घुस जाता है अंदर। देखिए घुमा घुमा के थोड़ा सा प्लास ले दिए, टाइट होता है, थोड़ा सा प्लास लेके घुमाइए, घुस जाएगी, थोड़ा सा टाइट है, देखिए अंदर जा रहा है। लेकिन एक गलती हो चुका है, इसे निकालना पड़ेगा, ये हम इसे नहीं निकाला, इसे एक गलती कर चुका हूँ, इसे निकालना पड़ेगा। हम इसे पहले निकालते हैं फिर इसे लगाएंगे। तो इसे तो खोल दिया इसका नजल को, बहुत टाइट है, निकालना बहुत मुश्किल हो जाता है दिया। और फिर इसे निकालते हैं,
ये भी नहीं निकलता है, इसे खोल के हम इसे निकाल दिया, ये निकल चुका है। फिर हम इसे लगाएंगे और देखिए सेम करना पड़ेगा। फिर हम ये नजल को लगाएंगे, ये जो नजल कनेक्टर पाइप से यहाँ से खुला है इस तरह, इसे हम यहाँ पर लगाएंगे। ये पाइप बहुत अच्छी पाइप है, अच्छी क्वालिटी का प्रयोग का पाइप है, ये खराब नहीं होता है, इसका कोई बैड रिकॉर्ड नहीं है। हम यहाँ पर ये पाइप यूज़ कर रहा हूँ और इसका एक फैसिलिटी है, इसमें ये चूड़िया बना हुआ है इसलिए कोई दिक्कत नहीं आता है, इसमें चूड़िया बना हुआ है इसलिए इस एक खोलने में कोई दिक्कत नहीं आता है, काटने की कोई ज़रूरत नहीं पड़ता है, ये आसानी से खोल जाता है। और फिर हम इसे घुसाएंगे, देखिए बहुत टाइट है, घुमा घुमा के देखिए ये अंदर जा चुका है, थोड़ा सा बाकी है वो भी जा चुका है, देखिए ये अंदर घुस चुका है, देखिए अंदर घुस चुका है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। और फिर हम इसे भी खोलेंगे लंकी से, मैंने इसे पहले खोला था इसलिए इजी है, इसका एक सॉकेट है, खोल के देखा था इसलिए इजी हो चुका है, हम इसे खोल लिया। इसे भी निकाल देता हूँ, इसका जो सॉकेट है यहाँ पर है, मैंने पहले खोल के देखा था इसलिए इस सॉकेट को हम यहाँ पर लगा देते हैं। इससे क्या होता है, टाइट होता है, बाहर नहीं जाता है, सॉकेट के तुरंत ये बाहर नहीं जाता है, ये टाइट हो जाता है, इसलिए सॉकेट को लगाना ज़रूरी है। सॉकेट नहीं लगाएंगे तो ये नोजल ढीले हो, यहाँ पर लगाएंगे तो नोजल ढीले हो जाएगी, टाइट नहीं होगी। ये है नोजल, छोटा वाला नोजल, इसे हम यहाँ पर लगाते हैं, देखिए बहुत टाइट है, लगा देते हैं, कोई लीकेज नहीं करेगी, अच्छी तरह से टाइट हो रहा है, इसमें कोई लीकेज ही नहीं आएगी। देखिए हम दोनों नजर लगा दिया और ये काम बन गया, इससे काम हो जाएगी। ये प्रोजेक्ट का कनेक्टर है, ये इस साइड दो वार्सल लगा हुआ है ऐसे, और ये दो माथा हम खोल दिया है, ये वाला खोल दिया है, तो हम इसे लगा के देखते हैं ठीक है क्या नहीं। लगाने के समय थोड़ा सा टेपलन देना जरूरी है क्योंकि यहाँ से लीकेज आ सकता है, हम अभी लगाएंगे नहीं, बाद में लगाएंगे, जब लगाएंगे तो टेपलन दे लेंगे, दे देंगे, तो हम फिटिंग करके देख रहा हूँ ठीक है क्या नहीं, एकदम बिल्कुल ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। बिल्कुल ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है, बिल्कुल ही ठीक है। तो हम इसे खोल देंगे, पहले इसे खोल देते हैं, मैं पहले छोटा वाला लगा देता हूँ, पहले छोटा वाला लगा रहा हूँ, थोड़ा सा टेपलन देने से कोई लीकेज नहीं आएगी। पहले छोटा वाला लगाया, फिर बड़ा वाला लगाएंगे, इसमें क्या होगा, लगाने से कोई दिक्कत नहीं आएगी, आसानी से लग जाएगी। देखिए दो लग चुका है, कोई दिक्कत नहीं है। और ये जो इसका बेसिन का टाइट नॉट है वो यहाँ पर लगेगा और यहाँ से नॉट से टाइट हो जाएगा, ये नॉट से या टाइट हो जाएगा बेसिन के साथ,
बेसिन के साथ एनाट से टाइट हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं आएगी, ऐसे रहेगी, टाइट हो जाएगी, ऐसे रहेगी। हेलो दोस्तों, ये वीडियो आप लोगों को अच्छे लगे तो प्लीज़ एक बढ़िया सा लाइक दे देना और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना और इसके साथ बेल आइकन को भी दबाना, क्योंकि जब मैं नया वीडियो अपलोड करूं तो तुरंत आपके पास वीडियो का नोटिफिकेशन चला जाए। थैंक यू फॉर योर वॉचिंग।